हाल ही में अमेरिका के पेंटागन ने न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू यानी NPR रिपोर्ट में कहा था कि वे दुनिया में खतरों से निपटने के लिए अपनी न्यूक्लियर क्षमता का विस्तार करेंगे। अपनी NPR रिपोर्ट में रूस और चीन को भी अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वे अपनी न्यूक्लियर क्षमता को सीमित रखें। इस बीच चीन ने अमेरिका की NPR रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि US अपनी शीत युद्ध वाली मानसिकता से बाहर निकले। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि शांति और विकास एक का परिवर्तनीय ग्लोबल ट्रेंड है। चीन ने कहा, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अमेरिका को इस सीमित न्यूक्लियर प्रोग्राम का पालन करने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार हैं। चीन ने ट्रंप को सलाह देते हुए कहा कि अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता को खत्म करना चाहिए और चीन की रणनीतिक इरादों को समझना चाहिए। आपको बता दें कि पेंटागन ने अपनी NPR रिपोर्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत आतंकवाद तक का जिक्र किया है। अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद अगर परमाणु हथियार हासिल करने में सक्षम हुए तो ट्विटर ग्रुप्स को समर्थन करने वाले देश ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को भी धमकी देते हुए कहा था कि अगर US या उनके सहयोगी देश पर न्यूक्लियर अटैक की हिमाकत भी की तो वॉशिंगटन प्योंगयांग का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। टीम न्यूज़ नाउ।